अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वीडियोस। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन 9 एंड 10 करेंगे। सिर्फ दो क्वेश्चन, इसलिए कि एक तो इम्पॉर्टेंट है और दूसरी बात इनको समझाने में काफ़ी टाइम लगता है। एक और रीज़न ये भी है कि इनएक्सपीरियंस टीचर्स जो सिर्फ डॉक्टर एसएम यूसुफ साहब की इस बुक को फॉलो करते हैं और बाकी किसी इंटरनेशनल ऑथर की बुक को हाथ नहीं लगाते, उन क्वेश्चंस के लिए इस किस्म के क्वेश्चन को समझाना काफ़ी टफ होता है और कंसेप्चुअल मिस्टेक्स करते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। गिवन फंक्शन e की पावर x स्क्वायर है, फर्स्ट वेरिएबल x है, सेकंड वेरिएबल y है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस फंक्शन का इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू x एग्जैक्टली इवेल्यूएट नहीं किया जा सकता। रीज़न इसकी एविडेंट है, क्लियर है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसकी पावर का डेरिवेटिव यानी 2x यहाँ पर सामने मौजूद होना चाहिए था एज अ मल्टीपल। इसमें से 2 को तो हम सामने ला सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके, लेकिन x को नहीं ला सकते क्योंकि वो वेरिएबल है। उसको डिवाइड करने से इस इंटेग्रल की जो डेफिनेटनेस है वो वायलेट कर जाएगी, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है कि हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को रिवर्स करें। इसका ये मतलब है कि डी वाई को इधर कर दें, डी एक्स को इधर कर दें। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा? जब यहाँ पर डी वाई होगा, यहाँ पर डी एक्स होगा, तो आपका सेकेंड वेरिएबल एक्स बन जाएगा जिसको आप कांस्टेंट होल्ड कर सकते हैं। तो चूंकि ये फंक्शन है ही सारे का सारा एक्स का, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा और फिर हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अगर आप ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को रिवर्स करें, डी वाई डी एक्स करें, इधर ए की पावर एक्स स्क्वायर करें, जैसे इनको आगे पीछे किया है बिल्कुल इसी तरह से अगर आप यहाँ पर भी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन के साथ भी यही काम करें, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि इससे इसकी ज्योमेट्री जो है वो चेंज हो जाएगी, तो इसलिए हम ये ऐसा नहीं कर सकते। मैंने आपको कहा था कि डबल इंटीग्रल की थ्योरी आपको आनी चाहिए। एक्चुअली ये जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है ये कर्व्स हैं और ये उस रीजन की बाउंड्री कर्व्स हैं जिस रीजन पे आपका ये फंक्शन डिफाइंड एंड कंटिन्यूस है। और भी कंडीशंस होती हैं, वो फिर आपको वेक्टर्स एंड टेंसर एनालिसिस का जो हमारा कोर्स जा रहा है उसके अंदर मिल सकती हैं। बहरहाल ये जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है ये उस रीजन की बाउंड्रीज हैं। हमारा वो जो रीजन जिसके ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड है वो रीजन जो है इन बाउंड्रीज के अंदर इनक्लोज्ड है। ठीक है, तो ऑर्डर को रिवर्स करने के लिए हमें इस रीजन को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर टीचर्स मिस करते हैं वो ये कि यहाँ पर जो आपका फर्स्ट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो सेकंड वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, आपका जो ये रीजन है ये एक प्लेन के ऊपर डिफाइंड होता है। डबल इंटीग्रल्स का जो डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है वो क्या होती है? एक रीजन होता है और वो प्लेन के अंदर डिफाइंड होता है। वो कौन सा प्लेन होता है? ये यहाँ पर ये जो एक्स और वाई वेरिएबल दिए हैं तो ये एक्स वाई प्लेन होगा। जब आप इस रीजन को ड्रॉ करेंगे तो फिर आपने ज़रा ध्यान रखना है, आपके जहन में होना चाहिए कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। आप लोगों को ये पता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, तो इसलिए सॉरी प्लॉट नहीं करते, लेबल करते हैं। यहाँ पर हम एक्स लिखेंगे और यहाँ पर वाई। ठीक हो गया, अनकन्वेंशनल लग रही है। अगर आपको मेरी ये वाली बात डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाली अनोइंग लग रही है, अजीब लग रही है, तो फिर आपको मैं रेफरेंस बता देता हूँ, आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा, एडवांस्ड कैलकुलस। इसका 5th एडिशन और ऑथर है इनके वेल नोन विल्फर्ड कैप्लान, इंतहाई फेमस बुक है और बेहतरीन एडवांस्ड कैलकुलस की बुक्स में से एक बुक है जो मुझे एमफिल में मिली थी और पीएचडी में भी ये मेरी रेफरेंस बुक है। इसके अलावा एक और बुक है, अच्छा इसका चैप्टर नंबर 4
इसका जो सेक्शन है डबल इंटीग्रल्स का, उसकी जब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की जा रही है, उसमें ऑर्डर रिवर्स करने की पूरी वो एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आप एडवांस्ड कैलकुलस बाय एंगस ई टेलर, ये भी मेरी रेफरेंस बुक्स में से एक है, और इसका सेकंड एडिशन, इस बुक को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है लेकिन बहुत ही बेहतरीन बुक है ये। इसके चैप्टर नंबर 13 के अंदर डबल डबल इंटीग्रल्स को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है, और बहुत एडिशनल प्रॉब्लम्स भी हैं, आप उसके अंदर भी ये चीज़ें देख सकते हैं। तो मैंने आपको रेफरेंस दे दिया, आप ये वाली चीज़ वहाँ पर चेक कर सकते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली। अब आपने अपना जो ये ग्राफ है ये प्लॉट करना है। सबसे पहले आप अपर लिमिट देखें, ये कौन सा फंक्शन था, ये कौन सा वेरिएबल है एक्स, तो ये एक्स की वैल्यूज है। अपर लिमिट आपकी क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू टू, इसको प्लॉट करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ी सी कैलिब्रेशन करनी है, डिवीजन करनी है। 1 2 3 4, ये आपका ओरिजिन, 1 2 3 4। एक्स इज इक्वल टू टू, ये तो आपको पता है कि ये वाली लाइन हो जाती है। इसके अलावा दूसरा जो आपका कर्व है वो है एक्स इज इक्वल टू वाई बाई टू, ठीक है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। इसको आपने प्लॉट करना है यहाँ पर। अब वाई की वैल्यूज डालेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यूज देखेंगे, ये तो आपको करने आता है। जब वाई जीरो है तो एक्स भी जीरो हो जाता है, एक पॉइंट ये आ गया, और दूसरा पॉइंट जब आप वाई फोर रखते हैं तो एक्स जो है वो टू हो जाता है, ठीक है, तो ये इस फोर के एग्जैक्टली अबव इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये आपकी लोअर लिमिट है, और इसको आप लिखेंगे ये दिस इज एक्स इज इक्वल टू वाई बाई टू, और इसके साथ बेशक छोटा सा एल लिख दें, ठीक है, अपनी निशानी के लिए कि ये लोअर लिमिट है। इसी तरह से एक्स इज इक्वल टू टू जो है ये आपकी अपर लिमिट है, छोटा सा आप यू लिख लें इसके साथ, ठीक हो गया। अब इसी तरह से आपने जो वाई की वेरिएशन दी हुई, आपने ये वाली जो बाउंड्री लाइंस हैं ये भी ड्रॉ करनी है। एक है वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका तो आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई ज़ीरो होता है, तो वाई इक्वल टू ज़ीरो क्या होगी, ये वाली लाइन यानी एक्स एक्सिस, मैंने थोड़ी सी बोल्ड कर दी है, ठीक हो गया, ये वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। दूसरी लाइन थी वाई इज इक्वल टू फोर, जो मैं ये डॉटेड लाइन बना देता हूँ, ये वाली लाइन वाई इज इक्वल टू फोर है। अब आपने अपना रीजन जो है वो शेड करना है, यानी अपना रीजन बनाना है, यहाँ पर बताना है कि आपका रीजन कौन सा है। इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी अक्सर टीचर्स आकर मिस्टेक करते हैं। मैंने इंटरनेट पे भी एक भाई साहब जो ये वाली एक्सरसाइज करा रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर मिस्टेक की भी है कंसेप्चुअल, तो उसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। रीजन आपने यहाँ पर शेड करना है अपना, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी लाइंस देखनी पड़ेंगी, और ये देखना है कि इनमें से कौन कौन सी लाइंस जो हैं वो आपके रीजन को इनक्लोज कर रही हैं, ठीक है। आपका रीजन कौन सा बनेगा, अगर आप मुझे कहते हैं कि ये वाला रीजन होना चाहिए, ये वाला, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस रीजन को कौन कौन बाउंड कर रहा है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, क्या ये वाली लाइन हमारी इन सब कर्व्स में से या लाइंस में से कोई एक लाइन है, क्या इनके अंदर मौजूद है, नहीं है, ये वाली लाइन नहीं है, तो इसलिए हाँ ये वाला जो रीजन है ये हम चूज नहीं कर सकते, ठीक हो गया, यही इसकी सिस्टमेटिक रीजन है। अब दूसरा रह गया हमारा ये वाला रीजन, ठीक है, इसको कौन कौन बाउंड कर रहा है, ये और ये। अब ये क्या है, आपकी अपर लिमिट है, और ये वाली कौन सी है, आपकी लोअर लिमिट है, ठीक हो गया, और ये जो है आपकी लोअर लिमिट ऑफ वाई है, ठीक है, ये अपर लिमिट ऑफ एक्स है,
लोअर लिमिट ऑफ एक्स एंड लोअर लिमिट ऑफ वाई। तो ये वाला जो रीजन जो इन तीनों के दरमियान इनक्लोज हो रहा है, ये वाला रीजन जो है ये आपका रिक्वायर्ड रीजन है। सही हो गया, ये वाली लाइन भी इसको इनक्लोज करी क्योंकि ये डेफिनेटली इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास हो रही है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन तीनों लाइनें के अंदर मौजूद है, इस लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर और इस लाइन, तीनों लाइनें के अंदर मौजूद है। तो ये आपका एग्जैक्टली रिक्वायर्ड रीजन हो गया था। ठीक है, इस जगह इस चीज़ को आप थोड़ा सा दोबारा रिपीट करके देख लें ताकि आपको सही तरह से दिमाग में बैठ जाए। तो होपफुली आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक और पॉइंट भी ज़रा क्लियर करें, वो भी टीचर्स नहीं बताते होते, ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है, ऐसा क्यों है, ये क्यों अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स हैं, इसकी रीज़न भी क्लियर है। ये किसकी अपर लिमिट थी, ये एक्स वैल्यूज़ की अपर लिमिट है। ठीक है, इसी तरह से ये, सॉरी, लोअर लिमिट है, ये वाली जो है ये एक्स वैल्यूज़ की अपर लिमिट है, ये यहाँ से क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक ये वाली वैल्यू, ये जो ये वाली लाइन थी, और दूसरी ये एक्स इज इक्वल टू टू ये वाली लाइन। आप ज़रा इस चीज़ को नोट करें कि यहाँ पर एक्स जो है कितना है, ज़ीरो है, और जबकि यहाँ पर एक्स टू है। जैसे जैसे आप आगे की तरफ इंक्रीज़ करते हैं, वाई की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करते हैं, तो क्या होता है, एक्स जो है इस लाइन के ऊपर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ होता है, लेकिन ये जो है क्या रहता है, टू रहता है। एक चीज़ नोट करें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ज़ीरो से लेकर फोर तक, वाई की इन वैल्यूज़ के लिए, गिवन वैल्यूज़ के लिए, आपकी एक्स की वैल्यू जो है वो हमेशा ये वाली जो वैल्यू है ये इस वैल्यू से कम रहती है। दोबारा नोट करें कि आपका जो गिवन वाई वैल्यूज़ हैं, जो इसकी गिवन इंटरवल है, उसमें एक्स की जो ये वाली वैल्यू है, एक्स इज इक्वल टू वाई बाई टू, ये ग्राफ हमें क्लियर कर रहा है कि इस पर एक्स की वैल्यू हमेशा इस वाली एक्स वैल्यू से कम रहती है। तो इसलिए ये वाली जो लाइन है ये लोअर लिमिट बन जाती है और ये वाली अपर लिमिट बन जाती है। होपफुली आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हुआ होगा। तो ये तो इसके मैंने जस्ट वो बना दिया, रीजन बनाया हमने। अब इसको क्या करना है, ऑर्डर को रिवर्स करना। ऑर्डर को रिवर्स करने का क्या मतलब है, यहाँ पे आपने डी वाई डी एक्स तो लिख लिया, ऑर्डर रिवर्स करने का मतलब ये कि अब आप वाई को इनडिपेंड, सॉरी, डिपेंडेंट कर रहे हैं और एक्स को इनडिपेंडेंट कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि अब आपका एक्स वेरिएबल यहाँ पर लेबल किया जाएगा और वाई वेरिएबल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या करना है, इसी ग्राफ को वापस इस वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो ये सिस्टम है इस प्लेन के अंदर आपने बनाना है। वन है, टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, इसको बनाए। पहली लाइन कौन सी थी, एक्स इज इक्वल टू टू, वो कौन सी होगी, अब यहाँ पर ये होगी एक्स इज इक्वल टू टू। ठीक हो गया। दूसरी लाइन कौन सी थी, वाई इज इक्वल टू फोर, वो डॉटेड लाइन में ये बना देता हूँ। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर नोट करें कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन रहा है, ये बन रहा है वाई की वैल्यू कितनी है, फोर, हॉरिजॉन्टल वैल्यू पहले आती है ऑर्डर्ड पेयर में और डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू बाद में आती है, फोर टू। यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट बन रहा है, ये बन रहा है टू फोर। ठीक हो गया। इस पॉइंट और ओरिजिन में से पास होने वाली लाइन कौन सी थी, वो ये वाली थी, तो ओरिजिन और इस पॉइंट में से पास होने वाली लाइन ये होगी। अब ज़रा एक चीज़ नोट करें, यहाँ पर जो इसकी स्लोप है वो ज़्यादा है, यहाँ पर इसकी स्लोप जो है वो कम है, ये चीज़ नोट करने वाली है। अब आपने अपना रीजन शेड करना है। रीजन किन किन के दरमियान था, इस वाली लाइन के ऊपर, यानी एक्स एक्सिस ये हो गया, और ये वाली लाइन, एक एक्स एक्सिस, एक ये वाली लाइन, और दूसरी कौन सी थी, ये एक्स इज इक्वल टू टू वाली लाइन, इनके दरमियान वाला रीजन, यानी कि ये वाला रीजन। ठीक हो गया। तो अब ये वाला आपका रीजन बन चुका है, रिक्वायर्ड रीजन है, जो इसके करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, इस ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग रीजन ये वाला है। अब इसके अंदर आपने देख के बताना है कि अपर लिमिट कौन सी है और लोअर लिमिट कौन सी है फर्स्ट वेरिएबल की, यानी कि वाई की।
y के लिए कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पर? एक आ रही है ये वाली लाइन, ये लाइन क्या थी, x इज इक्वल टू y बाई टू, इसको इन टर्म्स ऑफ x लिखें, y इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, तो y को इन टर्म्स ऑफ x लिखा, y इज इक्वल टू 2x हो गया, तो एक लिमिट आपके पास ये आ गई। और दूसरी कौन सी है, ये वाली, इस पे भी y की वैल्यू है और वो क्या है, 0। ठीक हो गया, तो इस पूरी तीन लाइनों में से ये लाइन और ये वाली लाइन जो है ये आपको अपर और लोअर लिमिट दे रही है। अब आप मुझे बताएं इनमें से अपर लिमिट कौन सा है और लोअर लिमिट कौन सा है। डेफिनेटली ये जो है लोअर लिमिट बन रही है और ये जो है अपर लिमिट बन रही है, तो इसलिए यहाँ पर जब आप e की पावर एक्स स्क्वायर लिखेंगे आपकी लोअर लिमिट क्या होगी, 0, ठीक, एंड अपर लिमिट आपकी क्या होगी, 2x, ठीक है। और ग्राफ से ये क्लियर है कि ये वाली वैल्यू हमेशा जो है इस वाली लाइन से छोटी रहती है आपके गिवन इंटरवल में। अच्छा, वो इंटरवल भी हम यहाँ पे निकालेंगे, यानी कि x की वैल्यूज, x इस पूरे रीजन में x कहाँ से कहाँ को चेंज हो रहा है, x यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है, ठीक है। x की वैल्यूज इन दो पॉइंट्स में वेरी करी है, इससे आगे या पीछे नहीं जा रही, तो यानी कि x 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है, 2 पे, तो लोअर लिमिट क्या होगी, 0, एंड अपर लिमिट क्या होगी, 2, ठीक है। होपफुली आपको कुछ समझ आया होगा कि किस तरह से हम इसको जब ऑर्डर रिवर्स करते हैं तो किस तरह से हमारे पास अपर एंड लोअर लिमिट्स में वेरिएशन आती है, चेंज आता है। होपफुली आपको समझ आएगा, इसको आप दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। अब इसके आगे आपने क्या करना है, अब ये कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, तो इसलिए क्या बन जाएगा, वाई ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, इंटीग्रेट किया तो वाई इज इक्वल टू पहले क्या आ जाएगा, 0, और फिर क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 2x आ जाएगा, और बाकी 0 से 2 वाला इंटीग्रल एज इट इज आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लें आप, बल्कि पहले लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, वाई ई की पावर एक्स, सॉरी, ई की पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, वाई की जगह क्या आ जाएगा, पहले 2x आएगा, फिर माइनस वाई की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ ऐसी ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास क्या बन गई, 2x e की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब पावर का डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली सामने आ गया, तो ये क्या हो गया, इसी का इंटीग्रल बन गया, ये तो आपको पता है, e की पावर एक्स स्क्वायर और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। अब इसके बाद लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन सब्सटीट्यूट करें, e की पावर एक्स का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर माइनस e की पावर 0 कितना हो जाता है, 1, तो e की पावर 4 माइनस 1, दिस इज आंसर। होपफुली आपको समझ आया होगा, बिल्कुल इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको करा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, इसके अंदर भी आप नोट करें कि आपका जो फर्स्ट वेरिएबल एक्स है, सेकंड वेरिएबल वाई है, इन्वॉल्व होने वाला फंक्शन वाई कॉस एक्स स्क्वायर है, तो जो सेकंड वेरिएबल है इसको कांस्टेंट होल्ड करें, तो कॉस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप इवेल्यूएट नहीं कर सकते, डेफिनेटली एंगल का डेरिवेटिव सामने मौजूद होना चाहिए था, जो कि 2x बनता है वो यहाँ पर एब्सेंट है, तो क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को, वही काम करना पड़ेगा आपको, ग्राफ प्लॉट करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, इंडिपेंडेंट वाई है। तो अब इसके बाद यहाँ पर आपका ओरिजिन 1, 2, 3, 4, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लोअर लिमिट बनाएं आप, ये एक्स की वैल्यूज की लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है, तो एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर आपकी लोअर लिमिट है, जो एक पैराबोला है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, जब एक्स इज इक्वल टू 0 है, सॉरी, जब वाई इज इक्वल टू 0 तो एक्स क्या आता है, 0 आता है,
और इसी तरह से यहाँ पर भी आपने कैलिब्रेशन करनी थी, 1 2 3 4। जब वाई ज़ीरो तो एक्स ज़ीरो, जब वाई वन है एक्स वन, जब वाई टू है तो एक्स कितना बन जाता है, 4 बन जाता है। ठीक है, तो आपका पैराबोला इट लुक्स लाइक दिस वन। ठीक हो गया, नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी ये इस तरह से होगा, लेकिन मैं इन नेगेटिव वैल्यूज़ को कंसीडर नहीं करूँगा, इसकी रीज़न है वो मैं आपको बता दूंगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये वाली लाइन बनानी है, x इज इक्वल टू 4, वो कौन सी बन रही है, ये वाली बन रही है जो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास हो, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी लिखे हैं, 4 2, कलर लिख दिया एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका 2 है, उसकी वैल्यू 2 है, और यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल की 4 है, तो 2 4। बाकी भी आपने बनानी है, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 ये वाली है यानी x एक्सिस, और दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू 2, वो ये वाली लाइन बन जाती है, और इस पॉइंट में से पास होगी डेफिनेटली। ठीक हो गया, इनके नाम भी आप साथ लिख लें, ये x इज इक्वल टू y स्क्वायर था, ये y इज इक्वल टू 2 है, ये y इज इक्वल टू 0, और ये x इज इक्वल टू 4 है। अब आपका रीजन जो है वो कौन सी लाइंस में इनक्लोज्ड है, क्या आप ये वाला रीजन बना सकते हैं, शेड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसको, इस रीजन को, ये जो मैंने बना रहा था, इसको कौन बाउंड करे, ये वाली लाइन भी बाउंड करी यानी वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस यानी कि एक्स इक्वल टू 0, वो हमारी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये वाला रीजन नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली ये वाला रीजन आएगा, क्योंकि इसकी जो 3 लाइंस हैं, ये जो इस रीजन को बाउंड कर रही हैं, वो सारी हमारी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर आ रही हैं। ठीक हो गया, चारों की चारों लाइंस जो हैं ये वाला रीजन इनक्लोज कर रही हैं, ये वाला पॉइंट भी आ रहा है बीच में, तो इसी वजह से ये वाली लाइन भी इसको इनक्लोज कर रही है। अच्छा, अब इसको भी आपने क्या करना है, इन्वर्ट करना है, इसको आप जल्दी से इन्वर्ट करें। सबसे पहले काम, y को इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे, तो ये y इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट x आएगा, प्लस माइनस लिखना लाजमी है वरना गलत हो जाएगा। अब आपने इसको इन्वर्ट करना है, इसका ग्राफ बनेगा, आप देखें ज़रा, जब y 0 है, बल्कि यहाँ पे कैलिब्रेशन करें पहले, 1 2 3 4, ये x और यहाँ पर अब y, 1 2 3 4 5। जब x 0 है तो y कितना आ रहा है, 0। ठीक है, यहाँ पर जब x 1 था तो y कितना था, 1, तो वही पॉइंट आ गया। ठीक है, जब आपका y आपने कितना रखा था यहाँ पर, 2, तो x कितना आ रहा था, 4, तो वो पॉइंट क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या था ये, यहाँ पर ये 2 4 था, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 4 2 बन जाएगा, जो ये पॉइंट बन रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो ग्राफ है इट नाउ लुक्स लाइक दिस। ठीक हो गया, और यही ग्राफ जो है वो किसका है, y इज इक्वल टू ये वाला जो पोर्शन है ये प्लस एक्स का, प्लस स्क्वेयर रूट एक्स का, नेगेटिव स्क्वेयर रूट एक्स जो है वो ये वाला पोर्शन है, और मैंने कहा था कि ये वाला पोर्शन आपने नहीं लेना, तो ये वाला जो पोर्शन जो कि वाई इक्वल टू स्केयर रूट, सॉरी नेगेटिव स्केयर रूट एक्स है, ये वाला पोर्शन हम डिस्कार्ड करेंगे। अब इसके बाद बाकी की लाइनें भी बनाएं, ये एक्स इक्वल टू 4, ठीक हो गया, और आपकी ये वाली लाइन जो वाई इक्वल टू 0 थी वो ये बन गई। ठीक है, और एक और लाइन रहेगी ये वाली जो y इज इक्वल टू 2 है। चलें जी, अब आपका रीजन किस किस लाइन के दरमियान था, ये 3 लाइन थी, ये और ये, ठीक है, यानी एक ये होगी इसके अंदर, और ये वाली x एक्सिस, और ये वाली लाइन कौन सी, x इज इक्वल टू 4 यानी ये वाली, तो इन तीनों के दरमियान, एक ये तीनों इसको इनक्लोज करेंगी।
चौथी लाइन ऑटोमेटिकली आ जाती क्योंकि वो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास हो रही है, कि आपका रीजन हो गया। सही है। अब इसके अंदर आपने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन देखनी है कि अपर लिमिट कौन सी है और लोअर लिमिट कौन सी है। अब पहले यहाँ पर डी वाई है और डी एक्स है, वाई की आपने अपर और लोअर लिमिट निकालनी है। अब वाई जो है, एक तो ये होगी वैल्यू वाई इक्वल टू स्केयर रूट एक्स, और इस रीजन के अंदर कौन सी दूसरी वाई वैल्यू आ रही है, एक ही चीज़ रह गई है, एक ये रह गई है, एक ये रह गई है और एक ये वाली रह गई है, सॉरी एक ये रह गई और एक ये रह गई है। ये दोनों जो हैं, ये इनमें से कौन सी वाई की वैल्यू को इनकॉर्पोरेट कर रही है, वो है ये वाली लाइन। ठीक हो गया। तो वाई की वैल्यू कौन सी दे रही है, ये वाली लाइन जो कि वाई इक्वल टू जीरो है, एक्स एक्सिस है। तो लोअर लिमिट आपकी कौन सी बन गई, ये, और अपर लिमिट कौन सी बन गई, ये। ठीक है। इस पूरे रीजन के अंदर ये वाली वैल्यू हमेशा इस वाली वैल्यू से कम रहती है, ग्राफ में आपको एविडेंट है। तो इसलिए आपकी जो लोअर लिमिट है वो क्या बन जाएगी, जीरो, और अपर लिमिट स्केयर रूट एक्स बन जाएगी। ठीक है, वाई कॉस एक्स स्केयर। अब इसी तरह से अपर लिमिट एक्स और एक्स की भी देखें और इसकी लोअर लिमिट क्या बन रही है। इस पूरे रीजन में एक्स कहाँ से कहाँ को वेरी कर रहा है, ज़ीरो से फोर तक। तो यह ज़ीरो और यहाँ पे फोर। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो कॉस एक्स स्क्र कॉन्स्टेंट हो गया, बाकी वाई स्क्र बाय टू आता है, उसको मैं बाहर लिख दूंगा, टू को मैंने बाहर लिख दिया, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएंगी वाई इक्वल टू ज़ीरो एंड वाई इज इक्वल टू स्क्र रूट एक्स। ठीक है। आगे आ जाएगा डी एक्स, तो ये डालें वैल्यू इधर, जब वाई इक्वल टू ज़ीरो डालेंगे तो ये सारा ही ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए मैं वन लिखूंगा। खाली वाई इज इक्वल टू स्क्र रूट एक्स डालें यहाँ पर, तो ये एक्स कॉस एक्स स्क्र बनेगा। ठीक हो गया। ज़ीरो से फोर, साथ में डी एक्स बाहर आता है वन बाय फोर, वन बाय टू। अब चूंकि आपको एंगल का डेरिवेटिव जो टू एक्स है वो बनाना है, तो इसलिए टू को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा, वन बाय फोर बन जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करें तो आपके पास क्या आ जाता है, वन बाय फोर कॉस एक्स स्क्वायर, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आपकी वाई इक्वल सॉरी एक्स इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स इज इक्वल टू फोर। इनको यहाँ पर पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, वन बाय फोर कॉस एक्स स्क्वेयर, यानी कि ये बन जाएगा वन बाय सॉरी ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पर साइन आता था। ठीक है, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स होता है, तो ये साइन एक्स स्क्वेयर यानी 16, फिर माइनस वन बाय फोर साइन ज़ीरो यानी कि ज़ीरो, कितना बन गया ये, वन बाय फोर साइन 16। तो ये इसका आंसर है, बहुत आसान था। तो प्लीज़ इसको आपको केयरफुली देखना पड़ेगा।